हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और बताएं कैसे हैं आप सब लोग, तो बताना ज़रूर कि कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है। आज मैं कहीं पे गई हुई थी और बस वहाँ से आकर के हम बैठे और हम लोग को कहीं जाना था। मींस मैं अपने घर जाने वाली थी, हम और श्याम अपने घर होम टाउन जाने वाले थे, पर नहीं जा रहे, कैंसिल हो गया। तो वही बताने के लिए शायद वो फ़ोन कर रहे हैं, शायद नहीं, हाँ वही बताने के लिए फ़ोन कर रहे थे। बट वो अपने घर पे मतलब मम्मी से बात नहीं कर रहे थे, किसी और से बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला। और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, क्या करें यार, ब्लॉग बनाने के लिए कैसे बनाऊं ब्लॉग, क्या बनाऊं ब्लॉग, मैं कुछ समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझे बताना कि किस तरीके के ब्लॉग आप लोग देखना पसंद करोगे, तो मैं उसी टाइप के ब्लॉग बनाऊंगी। और चलिए बताती हूँ आगे। तो यहाँ पर इनकी बात ख़त्म नहीं हो रही थी और मुझे खाना बनाना था, तो मैं इनसे पूछ रही थी बार बार कि क्या बना लूँ बता दो मेरे को। तो ये बातों में लगे हुए थे, मैंने कहा चलो, फिर मैं ऐसे बैठ गई, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ मैं। हम दो लोग ही हैं ना घर में, और फिर अगर एक कहीं बिज़ी हो जाए और दूसरा ऐसे बैठा रहे तो बस बोर हो जाता है। और ये कवर लेकर के आई हूँ मैं, वो जो आपको दिखाया था ना मैंने, ये सोफ़ा कवर मैंने बिछा दिया है इस पर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर पॉट जो आप देख रहे हैं, तो कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं और कुछ एक ये लगे हुए ना वाइट से कलर के, क्रीम कलर के, कुछ लंबे लंबे से, तो ये असली है, नकली नहीं है। कई लोग पहचान गए होंगे कि ये क्या है। मैंने ये अधिकतर ना आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कभी कभी मैंने भी देखा है ट्रेन में जब हम जा रहे होते हैं तो वो खेतों में लगे हुए होते हैं ना वाइट वाइट कलर के कुछ, अब इनको क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता। ये बहुत बड़े बड़ा सा घास टाइप होता है और उसमें ये फ्लावर्स लगते हैं। तो ये मैं तोड़ करके लेकर के आई थी, कम से कम 6 महीने हो गए इनको और 6 महीने से ये बिल्कुल सही है। अब इनको क्या कहते हैं अगर किसी को पता है तो मुझे नाम बता देना। मैं ऐसे ही किसी खेत में से तोड़ करके लेकर के आई थी और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, आज शाम को कुछ नहीं बनाती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। और ये कुर्ता आपको मेरा कैसा लगा, ये मैं मेहंदीपुर बालाजी से लेकर के आई थी। मेहंदीपुर बालाजी गई थी राजस्थान, तब मैं वहाँ से लेकर के आई थी। मैं कुछ सामान भी लेकर के आई थी थोड़ा सा, ये वॉलनट लेकर के आई थी, सनस्क्रीन लोशन लेकर के आई थी, ये पतंजलि के हैं सारे, ये पतंजलि का सनस्क्रीन लोशन है, वो बहुत अच्छा है ये, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बहुत। मैं क्योंकि ना पतंजलि वाले ही यूज़ करती हूँ या फिर कोई आयुर्वेदिक वाला यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ और नहीं लगा पाती, तो इसलिए ये लौंग लेकर के आई हूँ। नवरात्रि भी आने वाली थी ना उस टाइम, ये दृष्टि लेकर के आई हूँ, ये मैं नहीं डाल पाती हूँ भाई, ये तो मेरे हस्बैंड के लिए है, श्याम जी के लिए है, ये मैं नहीं डालती इसको। ये वॉलनट लेकर के आई हूँ, तो वहीं से सारा कुछ लेकर के आई हूँ। 320 रुपये का पड़ा हुआ है ये। और एक और है, एक और था वो नहीं लिया, ये वाला लिया, वो थोड़ा सा 300 का था, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं था लेकिन ये अच्छा लगा तो लिया। ये बैगन भी लेकर के आई हूँ, ये बैगन लेकर के आई हूँ भरते के लिए, और मैंगोज़ भी लेकर के आई हूँ भाई, इतना सब कुछ लेकर के आई हूँ। और भी लेकर आई हूँ सामान, वो भी दिखाऊँगी। ये सामान भी लेकर के आई हूँ मैं, ये आटा है, आटे के अलावा बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, तो दिखा देती हूँ आपको। अभी सामान चाहिए नहीं था लेकिन अभी लॉकडाउन लग रहा है ना, तो उसकी वजह से हमने लेकर के रख लिया। यहाँ पर तो लॉकडाउन नहीं लगा है अभी यूपी में, संडे को ही लगा था, तो मैं ये लेकर के आ गई थी। ये दूध के पैकेट थे छोटे छोटे, ये किसी न किसी काम में आ ही जाते हैं, मैं कुछ ना कुछ इनका यूज़ कर ही लूँगी। वैसे लॉकडाउन में भी दूध और सब्ज़ी की दुकानें, इसके अलावा किराने वाली जो दुकानें होती हैं ना, राशन वगैरह, ये सब कुछ तो मिल रहा है आराम से। मैडी मिक्स लेकर के आई हूँ मैं आयुर्वेदिक चीज़ें ही यूज़ कर पाती हूँ मैं भी बहुत चाहती हूँ कि मैं खुशबू वाली साबुन लेकर के आऊँ, पर क्या करूँ मैं उसे नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे ना नुकसान कर जाता है, इसीलिए मूँगफली लेकर के आ गई। नवरात्रि में तो काम आनी आनी है,
दाल लेकर के आ गई थी, और ये सच्चे साई चंदन धूप है, मैं यही वाली यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू देते हैं ये, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके यहाँ पर भी मिल रही हो ना तो आप इसे लेके एक बार ज़रूर देखना। बहुत तरह की आती है ये, चंदन, मोगरा, और भी पता नहीं कौन कौन सी खुशबू थी। इस बार मैं चंदन लेके आई हूँ, और ये दाल लेकर के आई हूँ, छिलके वाली मूंग, और ये धुली दाल होती है ना मूंग की, वो लेकर के आई। ये अरहर की दाल है, इसे तुअर की दाल भी बोलते हैं। तो ये दालें वगैरह मैं ले आई थी कि घर में अगर कुछ सब्जियां ना हो तो दालें तो बनाई जा सकती है। डिटॉल, तो डिटॉल तो हमेशा ही यूज़ होता है घर में, लेकिन इस बार मैं इतना बड़ा वाला डिटॉल ले आई बड़ा वाला इसलिए ले आई कि अब पोछे में भी डालना है, तो ये पोछा वगैरह मैं इसी से लगा लेती हूँ। लाइजॉल वगैरह भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पोछा इसी का लगा लेती हूँ, नहाने के भी काम में आता है, और कपड़े जब धो रहे हैं आजकल, वैसे नहीं, अगर कपड़े धोती हूँ तो उसमें भी मैं मशीन में डाल देती हूँ एक ढक्कन, तो अच्छा रहता है। और ये आशीर्वाद आटा, ये सोफ़े का कवर लेकर के आई थी मैं, तो ये मैंने इस तरीके से बिछा दिया है इसको, मतलब इस पे लगा दिया है, तो आपको कैसा लगा बताना मुझे। तो जो मैं ख़रीदा है ना इस महीने, मार्च के महीने में कुछ ना कुछ, तो उनमें ये भी है, बहुत सारा सामान कुछ ना कुछ लाई। ये एक पर्स तो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा वाला ये पर्स है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये डेली यूज़ की चप्पल मुझे चाहिए थी, तो ये भी मैं लेकर के आई हूँ, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर।